जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार। आप जो प्यार और सपोर्ट आपके अपने चैनल को कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभार। अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें, अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और उसका फ़ीस और शुल्क लागू है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मन में आप सोचोगे वो आपको वही होगा और आपको वही मिलेगा। क्योंकि मुझे बहुत दिनों से इस विषय को लेकर कमेंट्स मिल रहे हैं कि जैसा हम सोचते हैं ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, पहली बात। और दूसरे लोग बोलते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा होता तो है, पर थोड़ा होता है, लेकिन जो परिणाम है वो होता नहीं है। और तीसरे बात ये बोलते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा होता भी है, लेकिन उसके परिणाम नेगेटिव रहते हैं। जैसा सोचते वैसा हुआ जरूर, पर वो चीज़ें हमारे हिस्से आई नहीं, वो चीज़ें हमारे हक में आई नहीं, और क्रेडिट और कोई ले गया। तो ऐसा क्यों है आपके साथ, पहली बात तो हम इस पर बात करेंगे। दूसरी बात है कि चलो ठीक है, हम जैसा सोचते हैं वैसी चीज़ हमें मिले, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कोई तरीका है उसके लिए? तो उसके लिए एक तरीका ज़रूर है दोस्तों, इस वीडियो में हम उसी की चर्चा करेंगे। और ये सब सकारात्मक चीज़ों के लिए, मैं पहले एक बात क्लियर कर दूँ कि हम जैसा किसी के बारे में भी बुरा सोचेंगे तो वो नहीं होगा। इससे ये बात आप जान लीजिएगा, आप जैसा सोचोगे सकारात्मक सकारात्मक वो होगा। तो हम इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, चर्चा को थोड़ी आगे ले जाएं। उससे पहले एक छोटा सा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें, और कमेंट्स में लिखें ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभु, हर हर महादेव। और इसके साथ साथ अगर आप अपने कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि हम जिस भी विषय को चाहते हैं, जिस भी विषय में हमें ये चीज़ करना है, एक सकारात्मक हमारा या तो जीवन में गोल होता है, लक्ष्य होता है कि हमें ये चीज़, भगवान हमारी ये चीज़ हो जाए, हम कई बार दूसरों के लिए मांगते हैं, तो उसके लिए आपको करना होगा अपने गुरु मंत्र का जप। अब यहाँ से बात को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये बात आपको कभी कोई बताएगा नहीं, मैं आपसे बहुत खुले तौर पर ये बात शेयर कर रहा हूँ। आपको करना होगा अपने गुरु मंत्र या अपने ओम नमः शिवाय मंत्र का जप। क्योंकि दोस्तों, एक बात आपको मैं क्लियर कर दूँ, कलयुग केवल नाम आधारा, चारों युग में कलयुग में सबसे आसानी से हमारी वाणी को हम वाणी को सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने से मतलब है कि कोई ऐसा विशेष सिद्धि नहीं कि आप समझ रहे हैं कि जो आप बोलोगे वह हो जाएगा। सिद्ध करने का सीधा सा अर्थ है कि जब हम मंत्र जप करते हैं या हमारे इष्ट के जप का नाम लेते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हैं, तो ईश्वर हमारी परीक्षा लेता है। मतलब परीक्षा लेने से सीधी सी बात यह है कि हमारे जो जप हैं, जो हमारा तप है, उस तप के अवज में हमें वाणी से जो चीज़ निकल जाती है वो सिद्ध हो जाती है, और उससे हमारा जो तप है वो क्षीण होते जाता है। अब आप इसको थोड़ा सा टेक्निकल रूप से, आपको थोड़ा बात गंभीर लग रही होगी, मतलब थोड़ी जटिल लग रही होगी, मैं सीधी सी बात कह देता हूँ कि आप जैसे जैसे जप करेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मन में जप आप कैसे करना है, आप केवल अपने मन में ओम नमः शिवाय का जप करें, बिना स्वार्थ के, बिना किसी चाह या इच्छा से। जब आप इसका जप कंटिन्यू करेंगे, और मान लीजिए कोई भी तकलीफ है, किसी परेशानी है व्यक्ति को, और आपने कह दिया कि चलिए ठीक है आपकी चीज़ें हो जाएगी, आपका ना उनसे कोई धन लेना है, ना आपका कोई, हमारे कई बार मिलने जुलने वाले लोग होते, कई बार हमारे दोस्त मित्र होते, आपका कह देना, क्योंकि आपके पास एक जप का बहुत बड़ा शक्ति है, मंत्र पावर है, और उस पावर का आपने वहाँ उपयोग कर लिया। मतलब एक पावर होता है, एक शक्ति, जो शक्ति का मार के आपका ये काम हो जाएगा भोलेनाथ की कृपा से, और वो वाकई में काम हो जाएगा। अब बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं कि वो तो होना ही था, ऐसा नहीं है दोस्तों। जप की एक बहुत बड़ी महिमा है कि ईश्वर, जो व्यक्ति जप करता है उसके पास, उसका मन बड़ा शीतल और उसके पास अलग ही भाव आ जाता है, और उस भाव के आधार पर जब भी कोई व्यक्ति पीड़ित या दुखी या कोई भी व्यक्ति हो या किसी भी विषय को लेकर, वो कह देता है वो बात हो जाती है, लेकिन ये कुछ ही समय के लिए रहता है, क्योंकि जब जैसे जैसे क्षीण हो जाता है फिर वो शक्तियाँ चली जाती है, इसलिए जब कंटिन्यू रहता है।